हम डिस्कस कर रहे हैं आज डेटा कलेक्शन के एक शॉर्टकट मेथड पे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास तकरीबन 6 सीटों का डेटा है जो आप यहां देख रहे हैं, ये अलग अलग सीट्स पे है, इनको मुझे एक डेटा सीट पे कंपाइल करना है। अगर मैनुअल बात करें तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम डेटा पे जाएंगे, फिर यहां इसको पेस्ट करेंगे, फिर सीट टू पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, और सीट थ्री में सबसे लास्ट में आएंगे, फिर तीसरे सीट पे जाएंगे, फिर डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। ये तो हुआ मैनुअल वर्क, राइट सर। मुझे ये मैनुअल वर्क नहीं करना है तो मैं ये तो नहीं कर रहा कि एक बटन पे क्लिक होते हो जाएगा, वो चीजें वीवीए प्रोग्रामिंग से होती है, बट विदाउट वीवीए एक तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। क्या है? क्लिपबोर्ड। आप यहां पेस्ट में यहां देखिए क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है ना, क्लिपबोर्ड को ऑन करेंगे तो देखिए यहां पे हमारा क्लिपबोर्ड ऑन हो गया। अब आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है, सिलेक्ट कीजिए कॉपी, पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। हेलो, सॉरी सर म्यूट हो गया था। तो यहां तीसरे, यहां पे हम तीसरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो हमें जस्ट यहां पे सेलेक्ट करके कॉपी करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। फिर जहां मुझे पेस्ट करना होगा, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार में आप 24 को ही कॉपी कर सकते हैं। जहां मुझे पेस्ट करना है वहां पर हम जाएंगे, वो जहां पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट ऑल कर दीजिए, ठीक है सर। सर लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है, जो ये टॉप पर मतलब वो है, वो कैसे रिमूव होगा सर? क्या टॉप पर ये नेम जनवरी फरवरी है, ये सभी में कॉपी नहीं, कॉपी नहीं कीजिएगा, हमने कॉपी कर लिया तो आ रहा है ना, कॉपी नहीं करेंगे यहाँ पे, हमने सिलेक्ट करके पूरा कॉपी कर लिया था, इतना ही कॉपी करेंगे, जो कॉपी करेंगे वो तो आएगा ही ना सर। अच्छा क्या? अच्छा। अब सिर्फ हम एक्सेल की नहीं, अब अनुद्र एक्सेल अलग अलग एक्सेल में फाइल है, उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। यहां तक कि आपके पास अगर कोई डेटा है, जैसे गूगल से आपने कुछ सर्च किया, जैसे कि हमने यहाँ पे पावर बीआई क्यूरी फंक्शन सर्च कर लिया, अब मुझे सब सारे लिंक को कॉपी करना है, तो जनरली आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे पेस्ट करेंगे, फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, तो काफी नेविगेट करना पड़ जाएगा ना सर। तो आप क्लिपबोर्ड ऑन कीजिए और बस कॉपी करते चले जाएंगे। यहाँ आपको ऐड होते हुए बता रहे हैं कितना ऐड करना है, कॉपी कॉपी, ठीक है। फिर जहां पेस्ट करना है वहां कर्सर रखिए और पेस्ट ऑन। तो सिर्फ ए एक्सेल टू एक्सेल ही नहीं, एक्सेल टू एनी एप्लीकेशन, नहीं हेलो, हाँ जी सर, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, वो आता है पिक्चर लुकअप। जैसे आप डी लुकअप यूज किए कभी? हेलो कुलदीप जी, सर्वेश जी, हाँ जी सर मैंने यूज किया सर, कई बार किया डी लुकअप। डी लुकअप में तो सिर्फ क्या होता है, डेटा, डेटा लुकअप होता है, लेकिन मान लीजिए पिक्चर लुकअप करना, मान लीजिए कि आप एक स्कूल का, एक
डेटाबेस बना रहे हो, तो वहां आपने ऐसा कुछ बनाया कि आप रोल नंबर डालें तो स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स आ गया, वो तो रीलुकअप से आ जाएगा। अब उस स्टूडेंट का पिक्चर कहीं पड़ा हुआ है किसी अदर फाइल में या फुल में, बात समझे, उसका पिक्चर भी आ जाना चाहिए। किसी फोल्डर से ला सकते हैं क्या इसमें हम? हाँ, किसी फोल्डर से भी ला सकते हैं, फाइल से भी ला सकते हैं, फाइल के अंदर में भी लुकअप कर सकते हैं, और वीडीए के थ्रू भी और विदाउट वीडीए भी। लेकिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सीखना, तो मैंने आपको अभी वीडियो भेजा है, इस वीडियो को अभी आप देख ले, हम इस चीज पे आपके साथ कल डिस्कशन करेंगे सर, क्योंकि आज जो है एक दो लोग है भी नहीं, तो हम कल जो है इस पे डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ओके ओके, और वीडियो को एक बार मत देखिएगा, कम से कम दो तीन बार देखिएगा। ओके सर, ठीक है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को, मेरा 80% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने वीडियो पहले वीडियो देना शुरू कर दिया है।